अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आराम से बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है और ये बारिश का समय बहुत अल्लाह ताला का ये एहसान है कि इतना खूबसूरत से हमको नवाजा है। अभी नाश्ते की बातें हो रही हैं गाड़ी में, नाश्ते के बारे में क्या होना चाहिए। किसी तरफ से जो है वो अंडे और पराठे की आवाज़ आ रही है और कई तरफ से जो है वो सैंडविचेस की बातें हो रही हैं। देखें कैसा नाश्ता लिखा हुआ है नसीजे में। ये तो सामने के बराबर भी आपको पता चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेक जो है उस तरफ जाती है क्योंकि वहाँ पर 4x4 की एक्सेस है, जो गाड़ियाँ 4x4 है वही जा सकती हैं, ये भी जा सकती है, लेकिन हम इस गाड़ी पे जुल्म नहीं करना चाहते। इसकी सस्पेंशन का मसला बन सकता है। ये जीप्स हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, यही वहाँ तक एक्सेस रखते हैं। इसके अलावा लोलूसर है, लेक है, वहाँ भी बहुत अच्छे मनाजर हैं। वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं रखना चाहता क्योंकि पोस्ट करनी होती है सोशल मीडिया पे। हम गलू सर लेक की तरफ जा रहे हैं और ये ट्रैक बेसिकली हाईवे की तरह का ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत है और जस्ट 50 किलोमीटर्स है ये आराम से। अब मैं आपके लिए इसी तरह सनरूफ पे खड़े होके वीडियोस बनाऊंगा और वापस से लेक के मनाजर भी आपको दिखाए जाएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो आपको सैफ को लोग के मनाजर भी दिखाए जाएंगे और इसके बाद चपली कबाब बन रहे हैं जी। सुबह सुबह के टाइम है, पराठे आप देख सकते हैं, नान, ये पराठे आप देख सकते हैं, ये शहद बेचते हैं लोग। देखिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो हमने जो मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, मरी और नारान का खान के टूर के दरमियान, मुझे लगता है कि नारान जो बेस्ट है थोड़ा आपका सफर ज़्यादा है, लेकिन नारायण बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर अच्छे होटल हैं
और जो वोटर रेंट्स हैं वो इंतहाई जो है मुनासिब है। मरी के लोग मुझे लगता है लुटेरे हैं, चोर हैं वो होटल के मालकान, और वहाँ खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं होता। यहाँ पे आपको हर किस्म के रेस्टोरेंट मिलेंगे, आपको पंजाबी खाने, लाहौरी खाने और कराची बिरयानी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ जो प्राइस है, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, ये एक बहुत अच्छी बात जो मैंने फील की है एज मरी से कंपेयर करते हुए। मैं थोड़े आपके लिए बैग बना दूँ।